वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, विच इज अ चैप्टर फ्रॉम द यूनिट इकोलॉजी से, एक छोटा सा टॉपिक कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म एक फिनोमिनन है जहाँ पे जल्दी देखिए, दो अगर ऑर्गेनिजम्स साथ में, तो एक कोई बेनिफिट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, दोनों बेनिफिट कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग हमने फिनोमिनन देखे थे। कमेंसलिज्म में एक बेनिफिट करता है लेकिन जो दूसरा है उसको कोई हार्म भी नहीं पहुंच रहा है और ना उसको कोई फायदा हो रहा है, यानी कि नो बेनिफिट एंड नो हार्म टू वन व्हाइल द अदर गेट्स बेनिफिटेड। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहला ऑर्किड एपिफाइट मैंगो ट्री। ऑर्किड जो होते हैं, ऑर्किड्स फ्लावर्स होते हैं, ये जनरली एज पैरासाइट ग्रो करते हैं दूसरे ट्रीज पे। अगर हम एपिफाइट की बात करें तो ऐसे फ्लावर्स या ऐसे ट्रीज या प्लांट्स जो किसी और ट्रंक पे, किसी और ट्री के ट्रंक पे या कोई ब्रांचेस से ग्रो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्किड जो है वो डिराइव कर रहा है न्यूट्रिशन, वो ग्रो कर रहा है, लेकिन मैंगो ट्री को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना वो हार्म हो रहा है ना उसको कोई फायदा हो रहा है। एज इट इज दोनों की जो रिलेशनशिप है वो चल रही है। So, पहला एग्जाम्पल ये है कि यानी कि ऑर्किड जो फ्लावर्स होते हैं वो आपने बहुत बार देखे होंगे कि ट्री ट्रंक से या ब्रांचेस से नीचे की तरफ को फ्लावर्स होते हैं, वो उस ट्री के नहीं होते। दिस इज योर ऑर्किड विच ग्रोज एज एन एपिफाइट। एपिफाइट वो प्लांट्स जो किसी और प्लांट के ट्रंक से या ब्रांचेस से ग्रो करते हैं, ठीक है। बार्निकल्स ऑन बैक ऑफ वेल। बार्निकल्स क्या होते हैं? बार्निकल्स होते हैं आर्थ्रोपॉड्स। ये इनका काम क्या होता है? सी में रह के सी को क्लीन करते हैं, जो डेट्रिटस है ये उस पर फीड करते हैं, या जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लैंकटन है, उस पर फीड करते हैं। अब ऑन बैक ऑफ वेल से इनको फायदा क्या है? जब ये वेल की बैक पे होते हैं, देखिए वेल जो है वो स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म है कंपेयर टू अदर फिश। तो ये जैसे धीरे 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 मूव करती है, स्विम करती है सी में या ओशन में, तो वहाँ पे जो बार्निकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच सी विद एवरी स्विम देखने को मिलता है, तो उनका फ़ायदा हो रहा है। और वेल को एज इट इज कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बट बार्निकल्स जो हमारे आर्थ्रोपॉड्स हैं, दे फीड ऑन द डेट्रिटस, दे फीड ऑन द प्लांकटन, सो उनको वेल की बैक पे एक फ्री राइड मिल रही है। कैटल एग्रेट इन ग्रेजिंग कैटल। कैटल एग्रेट आपने देखी होगी, एक वाइट कलर की चिड़िया होती है बड़ी सी, जो अक्सर ग्रेजिंग कैटल काउज और बफेलोज की बैक पे बैठी हुई पाई जाती है। तो इनका फायदा क्या है? ये होता है कि जब ग्रेजिंग कैटल ग्रेज करने जाती है, यानी कि घास चरने वगैरह जाते हैं, और वो जैसे ही नीचे घास चरना शुरू करते हैं तो आसपास वेजिटेशन में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ के ऊपर आ जाते हैं, और जैसे ही वो उड़ के ऊपर आते हैं जो कैटल एग्रेट है उनको खा लेती है। अदरवाइज इसके लिए वेजिटेशन में ढूंढना इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। सो कैटल एग्रेट अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड जो है वो ऐसे डिराइव कर रही है कि जब भी ग्रेजिंग कैटल अपना खाना खाने जाती है तो जो इंसेक्ट्स बाहर आते हैं वो उसको खा लेती है। तो ऐसे में जो ग्रेजिंग कैटल होती है उसको कोई फायदा भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं। लास्ट एग्जांपल दिया है आपका सी एनेमोन और क्लाउन फिश का। क्लाउन फिश, अगर आपने फाइंडिंग नीमो देखी हुई, एक छोटी सी फिश जो बहुत आसान होती है हंटिंग के लिए, वो है आपकी क्लाउन फिश। तो सी एनेमोन जो होता है उसके स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, यानी कि पॉइजनस होते हैं। क्लाउन फिश उन टेंटिकल्स में छुपके रहती है ताकि जैसे कोई प्रेडेटर इसकी तरफ आए तो पहले उसको पॉइजन यानी कि सी एनिमोन से लड़ना पड़े, तब जाके वो क्लाउन फिश तक पहुंचेगा, और वो पॉसिबल नहीं होता तो क्लाउन फिश जो है वो बची रहती है। अब क्लाउन फिश के टेंटिकल्स के बीच में होने से सी एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना उसको कोई हार्म हो रहा है ना कोई बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो पूरी स्टोरीज हैं जो अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने देखी है कि एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को उस रिलेशनशिप में ना फायदा है ना नुकसान है, तो यही है आपका कमेंसलिज्म। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, और जो हमारा सेकेंड ऑर्गेनिज्म है बेनिफिट भी नहीं है उसको और ना ही कोई हार्म है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम कमेंसलिज्म को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। इजी है, इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अब आपको करना ये है कि फटाफट इसकी एक रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करेंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया में जरूर जुड़ना है, उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट, क्योंकि हम लोग एवरी डे डेली अपडेट्स कर रहे हैं वीडियोस की, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की, ताकि आपके लिए जो पूरी जर्नी है प्रिपरेशन ऑफ बायो वो इजी हो जाए। सो फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद सम अदर वीडियो, कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।